हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं टी टाइम स्नैक्स। ये हमने मुरमुरे का नमकीन बनाया है और बच्चों को बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये हल्का फुल्का नाश्ता होता है। बच्चों को दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बच्चे इसे निकाल के खाते रहते हैं। चलिए इसे बनाते हैं। हमने एक कढ़ाई रख लिया है और इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें हमने आधा कटोरी मूंगफली दाना ले लिया है, ये डाल देंगे। आप कम ज़्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसे हम बस लो फ्लेम पे भूनने देंगे। इसके साथ ही में हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। इस समय हमने फ्लेम को लो रखा है, लो फ्लेम पे आराम से भूनना है। और ये हमने लहसुन ले लिया है, 8 से 10 कलियां हमने लहसुन की ले लिया था, ये डाल देते हैं। पतली पतली स्लाइस में कट कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और इसका अच्छी तरह फ्लेवर आ जाए। देखिए, हमने 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे इसे भून लिया है और बहुत अच्छी तरह से ये रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और ये मैंने देगी मिर्च लिया है 1/2 टीस्पून। ये मैंने कलर के लिए डाल रही हूँ, बहुत ही बढ़िया कलर आता है इससे। ऑप्शनल है, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। जिस समय हम लाल मिर्च डालते हैं उस समय या तो फ्लेम बंद कर दीजिए या एकदम लो फ्लेम रखिए, नहीं तो लाल मिर्च जल जाएगी। चलिए अब हम मुरमुरा डाल देंगे। 1 बड़े चम्मच तेल में कढ़ाई भर के मुरमुरे का नमकीन बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही कम तेल लगता है इसे बनाने में। इसमें हमने 1.5 बड़े बॉल मुरमुरा डाल दिया है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी मिक्स कर लीजिए। जब तक मुरमुरा एकदम क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हमें भूनना है, 2 से 3 मिनट लगता है। इसमें हम अब नमक डाल देंगे। हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई शक्कर डाला है। अगर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद आता है शक्कर डालने से। इसे भी अच्छी तरह हमने 1 मिनट मिला लिया है नमक और शक्कर डालने के बाद में। देखिए, मुरमुरा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये बहुत ही बढ़िया स्नैक्स है वेट लॉस के लिए। चलिए इसकी हम प्लेटिंग करते हैं। देखिए, एक प्लेट में हमने मुरमुरा ले लिया है। इस पे हम बारीक बारीक प्याज डाल देंगे और टमाटर डाल देंगे। बारीक बारीक टमाटर डालेंगे, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इस तरह से आप प्लेटिंग करके दीजिए। हरा धनिया डाल दिया और बारीक सेव डाल दिया और नींबू निचोड़ दीजिए, या तो नींबू का जब आपको सर्व करना है खाना है उस समय आप नींबू का रस डाल दीजिए। और देखिए कितना स्वादिष्ट मुरमुरा बनकर तैयार हो गया है। और देखा आपने कि 5 से 6 मिनट में मुरमुरे का नमकीन बनकर तैयार हो गया है। जो ये बचा हुआ मुरमुरा है आप एयरटाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। आप इस मुरमुरे को 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे इतना स्वादिष्ट बना है कि 1 से 2 दिन में ही ये चट होने वाला है। बच्चों को अभी घर पे है और दिन भर कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो आप इस तरह से भेल लगा के दीजिए। इस तरह की हल्की फुल्की भेल सभी को पसंद आती है। बड़े भी खा सकते हैं और बच्चे भी खा सकते हैं। तो इस तरह से आप मुरमुरे का नमकीन ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।